दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस Realme 3 की। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या यूटिलिटीज मिलती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके लीड को खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर मिलता क्या है। इसके अंदर हमें मिलता है वेलकम करता हुआ Realme का एक एनवेलप, जिसके अंदर अगर हम देखें मेरे ख्याल से तो इसके अंदर एक सिलिकॉन कवर होना चाहिए। तो हम फ़ोन को साइड में रखते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें मिलती है यूज़र गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड। इसके अंदर एक सिलिकॉन केस मिलता है जो हमारे हैंडसेट को प्रोटेक्ट करेगा। ये है यूज़र गाइड, जिसको पढ़ना हम ज़रूर नहीं समझते क्योंकि ये है इतनी बड़ी कि अगर हम इसको पूरे दिन पढ़ने बैठे तो हमें कुछ पल नहीं पड़ेगा। अगली तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें एक मिलती है हमारी प्यारी सी छोटी सी एक क्विक स्टार्ट गाइड, जिसमें भी हमारे लिए कुछ रिलेटेड कुछ हमें जानने को मिलेगा और सिम के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन फ़ोन केस की तरफ। पहले हम हैंडसेट को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस हमारे केस के अंदर है क्या क्या। सभी जानते हैं कि इसके अंदर एक चार्जर और एक यूएसबी केबल होनी चाहिए और वही होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये एक चार्जर जो कि आता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर के आउटपुट के साथ, जो कि जनरली एक फास्ट चार्जर नहीं है, पर ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जो कि एक अच्छी बात है। और इसको साइड में रखकर हम देखते हैं इसकी यूएसबी केबल को, जो कि एक अच्छी क्वालिटी के साथ आती है, कम से कम एप्पल से तो अच्छी ही आती है। क्या सही में? हाँ बिल्कुल। तो अब इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए हम चलते हैं हमारे मेन हैंडसेट की तरफ। जब हम इसके रैपर को खोलेंगे तो हमें दिखता है कि इसके बैक में ब्लू ग्रीन शेड दिया गया है, यानी ब्लू ग्रीन फिनिश दिया गया है, जो इस फ़ोन को लुक वाइज बहुत ही अच्छा बनाता है, जो कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके पहली बार हम रैपर को हटाएंगे तो हमें इसका और अच्छे से अंदाज़ा मिलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे। और यहाँ पर बिल्कुल नीचे हमको देखने को मिलती है रियलमी की ब्रांडिंग। ऊपर देखें तो यहाँ पर ड्यूअल कैमरा सेटअप प्लस फ्लैश, एंड यहाँ देखें तो फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके साइड में चले तो हमें देखने को मिलता है एक ऑन ऑफ बटन जो कि उसी शेड में है, और यहाँ पर हमको देखता है वॉल्यूम लॉकर, और यहाँ पर देखती है सिम इजेक्टेड ट्रे। ऊपर हमें बिल्कुल क्लीनिश देखने को मिलता है, ऊपर कुछ भी छेद वेद नहीं है। और यहाँ ठीक नीचे हमें देखने को मिलती है एक स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पर है एक माइक्रो यूएसबी एडाप्टर, और यहाँ पर मिलता है हमको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, एंड यहाँ पर है हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक। इस फ़ोन को शुरू करें तो हमें देखने को मिलता है इसमें एक स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फील देखने को मिलता है, और बिल्कुल भी लैग नहीं होता है ये फ़ोन, और एक ये बजट फ़ोन के हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और हम इसमें कितने भी ऐप्स खोल ले ये हमारे सामने लैग नहीं करता है। मेरे हाथ में है ये, अभी मैंने ले रखा है 11,000, यानी हम कह सकते हैं इसको 10,999 वाला वेरियंट, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी सेटिंग में जाकर देखें, अबाउट फ़ोन में देखें तो हमें इसमें देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई, जिसको मैं खोल के दिखाता हूँ। एंड्रॉयड 9 पाई का इसमें हमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें हमें एंड्रॉयड क्यू का भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है हमें अपडेट। और हम देख सकते हैं इसमें कि फील बहुत अच्छी आ रही, और जैसा कि कंपनी कहती है कि ये गेमिंग फ़ोन भी है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो सेक्शन बना लेंगे। तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है वैसे, बजट फ़ोन के हिसाब से ये फ़ोन अभी टॉप पे होना चाहिए। बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये, और का अगर फिंगरप्रिंट सेट कर लें हम तो इसका फिंगरप्रिंट सेट करते हैं, जो कि अभी हो रहा है। अच्छा फील देता है इसका फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छी तरीके से। इसको एक और बार कर लेते हैं, कंटिन्यू। इसका फिंगरप्रिंट अब हम टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ी से इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है ये फिंगरप्रिंट, और मैं एक बार फिर से करके बता ही देता हूँ, देख लीजिए आप, बिल्कुल इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छा है, जो कंपनी के द्वारा बजट फ़ोन में देना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मैं इसको आपके लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप एक 11,000 का बजट लेके चलते हैं तो ये एक ऐसा फ़ोन है जो आपकी सारी बजट को कंप्लीट कर दे।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।